तमाशा, इश्क तमाशा। क्या क्या कर रही हो तुम? फोन का इंतजार कर रही हूँ। और ये चॉकलेट्स, ये भी तो मैडम ने भेजी है ना? अब कोर्स और कौन भेजेगा? तुम खाओगी? ये लो, तुम खुद ही खाओ। अरे यार, हर वक्त सड़ी क्यों रहती हो? जियो और मजे से जियो। मेरी बात सुनो, तुम जो इस वक्त को छोटी बच्ची समझती हो ना, वो बड़ी हो गई है। तुम्हारी ये सारी उल्टी सीधी हरकतें समझती है वो। मैंने अब ऐसा मेरे आप ही क्या छिपाया जा रहा है? जरा मुझे भी तो पता चले तुमसे मतलब। जाके अपना काम करो, समझी? मैं सब समझ रही हूँ रचनाबाजी, किन हवाओं में है आप। किसी दिन अम्मी को बताया ना तो कोंटे से बांधेंगी। तो बांध दे, मैंने मना कब किया? बस कोंटा मेरी मर्जी का होना चाहिए। देख रही है मेरे हाफी कितना शौकीन है। आए, अम्मी बुला रही है खाने के लिए। चलो खाना खाओ, आओ। अच्छा चलो 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 चलो, ये मेरे बच्चे ना छुपा के चुमा ही हरकतें मत क्या करो। कैसी हो मीना? कब से वेट कर रही थी, इतनी देर से क्यों फोन किया? रियली? तुम सच कह रही हो? अब तो आपसे बात किए बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। यस, पिज्जा बहुत यम्मी था। अच्छा, कल क्या भिजवाऊं? सोच के बताऊंगी। हमें मेहराब सर से मिलना है, आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर दें। जी, आपका अपॉइंटमेंट था आज? हमारे प्रिंसिपल की बात हुई है उनसे। सॉरी सर, तो इस वक्त मीटिंग में है, आप लोगों को वेट करना होगा। कितना वेट? जब तक मीटिंग चल रही है आपको वेट करना पड़ेगा। कर लेते हैं वेट। ठीक है, थैंक यू। और कितना टाइम लगेगा? जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती है आपको वेट करना पड़ेगा। आप उन्हें बता देना कि हम बहुत देर से उनका वेट कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती, प्लीज आप वेट कर रहे हैं। आखिर कितना मसरूफ है वो,
5 मिनट नहीं निकाल सकते हमारे लिए? मिस आप वेट कर सकती है तो वेट कर ले, मैं कुछ नहीं कर सकती प्लीज। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? देख लीजिए कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। सर हम बहुत देर से बाहर आपका वेट कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रह सकते। सर एक्चुअली हम एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें हम आपको ऐसा चीज़ क्या पुष्ताक साहब प्लीज इनको चेक दे दीजिए। जी सर। ठीक है। आप सर हमें सिर्फ आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आपकी प्रेजेंस भी वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसे तो आई एम रियली सॉरी, मैं इससे ज्यादा आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता, मेरा वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन सर हमारी प्रिंसिपल ने सायका मैम से बात की थी और उन्होंने वादा किया था। आप प्लीज ऐसा करें कि उन्हीं को इनवाइट कर लें आज चीफ गेस्ट, क्योंकि मेरे पास फ्रैंकली बिल्कुल वक्त नहीं होता। वो फ्री होती है, वो आ भी जाएंगी। सर वो तो ठीक है, हम उन्हें बुला लें, मगर आपका आना। देखिए मैंने कहा ना मेरा वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं नहीं आ सकता। मैं आपको चेक दे रहा हूँ ना। अपने पैसे आप अपने पास रखें, हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या समझते हैं आप, पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं? उन बच्चों को सिर्फ आपके पैसों की नहीं बल्कि आपकी भी जरूरत है। अगर आप आ जाएंगे तो हमारी इज्जत रह जाएगी और उन बच्चों का मान बढ़ जाएगा। चुप करो तुम, हमें आपकी भीख नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सॉरी सर, इन्हें शाम को चेक भिजवा दीजिए। अच्छा क्या बात कर रहा था मैं? मिर्हा रुको तो सुनो। मिर्हा रुको तो सही। क्या रुको? इसलिए लेके आए थे तुम लोग मुझे यहाँ पे? उस बंदे का एटीट्यूड देखा है तुमने? बात करना पसंद नहीं कर रहा था वो। अरे मिर्हा सुनो तो सही मेरी बात, तुमने उनसे उलझ कर अच्छा नहीं किया। मैंने तुम लोगों को कहा था ना, जिस बंदे का एक मिनट लाखों का, वो क्यों मैं चैरिटी शो में आएगा? यार कम से कम वो चेक तो दे रहे थे ना, क्या ये कम था? वेरी गुड, तुम भी मटेरियलिस्टिक हो गई हो। मेरा ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज कर सके। अच्छा तो कुछ पैसों के लिए अपनी इंसल्ट करवाते रहे? नेहा इट्स नॉट अबाउट मनी, बच्चों की जरूरत है। और तुमने देखा था ना वो कितने बिजी थे। अब चलो। ठीक है लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ठीक है हम चले जाएंगे, पर चलो चले। देखिए हमारी उनसे बात हो चुकी है, आप प्लीज एक दफा उनसे बात तो करके देखें। अच्छा वेट कर। जी सर वो कॉलेज स्टूडेंट आए आपसे मिलना चाह रहे हैं। भिजवा दे। थैंक यू। I'm sorry sir, वो मेरा थोड़ा। It's okay, I understand totally. Mr. Aksar, check book line please. Yes sir. Thank you.
लेके आ रही हूँ। ठीक है। देखिए मैंने कहा ना, मेरा वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं नहीं आ सकता। मैं आपको चेक दे रहा हूं ना। सुलन ख्वाबों में तो मुझे गुम होना चाहिए, आप किसके ख्यालों में गुम है मैडम? ये अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं ना, इंसान को इंसान ही नहीं समझते। अब ऐसा भी नहीं है, अरे हमको ही देख लो, कितना अच्छा है, कितना ख्याल रखता है मेरा, कुछ ना कुछ भेजता ही रहता है। मत करो इतना एतबार उसका, अल्लाह जाने कौन है, कहां से आया है। क्यों ना करो, दीवाना है मेरा, मेरे हुस्न का, मेरी बातों का, मेरी हंसी का, यही तो मैं चाहती थी। और बदले में आप क्या देंगी उन्हें? सच्ची मोहब्बत। इस पे मैनेजर के आंसर साइन तो है नहीं, प्लीज पहले उनसे वेरीफाई करवा लीजिए। थैंक यू। हाँ रम, बोलो। आपके पास मेरे लिए टाइम है? इस वक्त? हाँ जी, इसी वक्त। मैं शॉपिंग करने के मूड में हूँ, और अगर आप ना आए ना भाई, आपको पता है फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। कम ऑन रम, क्यों अपने भाई को आजमाइश में डाल रहे हो? अच्छी तरह जानते हो तुम कि तुमसे ज्यादा अहम मेरे लिए कोई भी नहीं है। तो भाई आप जल्दी आ जाए, मैंने समवन स्पेशल के लिए कुछ पसंद किया है, आपकी कॉन्फर्मेशन चाहिए। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये समवन स्पेशल है कौन, जिसके लिए गिफ्ट लिया जा रहा है? अब ऐसे तो नहीं बताऊंगा भाई, आप आए फिर बात करते हैं। आता हूँ। ओके, मैं भी पहुंच रहा हूँ। कैसी लगी भाई? बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई, मैंने कहा आपको दिखा दूं। तो क्या तुमने सिर्फ ये मुझे दिखाने के लिए यहां बुलाया? नहीं भाई, वो एक्चुअली मैं तो आपको बिल पे करने के लिए लेकर आया हूँ। कभी इनकार किया तुमने? भाई वो एक बैग भी है, इफ यू डोंट माइंड। बर्थडे किसकी है? क्या मतलब किसकी बर्थडे? जिसके लिए सब लिया जा रहा है। नहीं भाई, वो बर्थडे बर्थडे तो नहीं है, ये तो बस ऐसी। भाई जरा पैक कर देना प्लीज। थैंक यू भाई। एनीथिंग फॉर यू। हाय अल्लाह, इतना महंगा तोहफा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हें वाकई अच्छा लगा? अच्छा, इतने महंगे तोहफे ने तो मेरी जान ले ली है। क्या ये वाकई में रियल है ना? मेरा मतलब कॉपी तो नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल असली, तुम्हारी तरह। अच्छा, आपको इतना महंगा तोहफा नहीं भेजना चाहिए था। तुम्हारी खुशी ज्यादा कीमती तो नहीं है? फिर भी। अच्छा ये बताएं, ये वाकई में बहुत महंगी शॉपिंग है? हाँ, और नेक्स्ट टाइम इससे भी ज्यादा प्यारी चीज भेजूंगा। नहीं 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 नहीं, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी। तो बाद में बात करती हूँ। क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? हर चीज में तुम हिस्सेदार बनने आ जाती हो, क्यों बताओ? तुमने फिर से महाज भाई से कुछ छुपके छुपके से मंगवाया है ना, बताओ। हाँ, और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी मेरी जान। अच्छा, मेरे लिए कुछ नहीं मिलता वहाज भाई ने? अभी जाके अम्मी को बताती हूँ। रुक रुक रुक,
हम दोनों मिलके यूज करेंगे ना? मैं भी यूज करूंगी। हम तीनों मिलके यूज करेंगे। तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगी, चलो अंदर। तुम क्या हर बात अम्मी को जाके बताती हो, अम्मी को जाके बताती हो, डराती हो हमें क्या? बैठो इधर। क्यों ना, और ये मुझे दो। वो कुछ चॉकलेट का जिक्र कर रही थी ना? हाँ चॉकलेट देती हूँ, लेकिन तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है तुमने फोन उठाया। कैसी हो? मैं चाची जान को फोन देती हूँ। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। कहिए। तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए? नहीं जी, नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। थैंक यू। मेरा कभी तो कुछ मंगवा लिया करो यार। अगर तुम उसे बोलने पर उकसाने की बजाय माँ की बात सुन लो ना, तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। सालू को अम्मी, आप कब आई? तभी जब वो मोहतरमा तुम्हें नखरे दिखा रही थी और तुम उसके कदमों में पीछे चले जा रहे थे। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल। अच्छा बस रहने दो। चले अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। आज तो जरा ढंग का तैयार हो जाती। मैं चैरिटी शो में जा रही हूँ, किसी शादी में नहीं। तुम तो शादी में भी ऐसे ही कमालात दिखाती हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। जैसा मैं कहूंगी वैसा तैयार होना पड़ेगा तुम्हें। तैयार मैं हो चुकी हूँ और अब कुछ भी नहीं बदलूंगी। अरे लिपस्टिक ही डार्क कर लो, देखो लड़के तुम्हें देख के बेहोश हो जाएंगे। कह रही हूँ मैं। फिर तो मुझे कुछ लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी पे जुल्म नहीं कर सकती। लगता है तुम्हें ऐसे नहीं मानो। मेरे पास एक चीज है जिससे तुम्हारी वाह-वाह हो जाएगी, अभी लेकर आओ। मेरा कभी तो कुछ मंगवा लिया करो यार। ये देखो रुशना, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत महंगी है। पता है पूरे 9 हीरे लगे, रात को ही गिने मैंने। और हमने दिए तुम्हें? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना, उसके पास ढेर सारा पैसा है और उससे बड़ा दिल है उसका। इधर लाओ हाथ। नहीं, ये मैं नहीं पहन सकती क्योंकि ये बहुत महंगी है। मेरा तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, मेरी हर चीज तुम्हारी। हाथ आगे करो इधर दिखा। लेकिन ये बहुत महंगे, पहना दो। अच्छा देखो, जब तुम तकरीर करोगी ना, तो इस हाथ को ज्यादा यूज करना, लोगों को पता तो चले कितनी महंगी घड़ी है। बिल्कुल पागल हो तुम। अरे ये चूड़ियां तो उतारो। क्या? नहीं, चूड़ियां नहीं उतारूंगी। चूड़ियां नहीं उतारूंगी मैं। मेरी चादर तो दो, हेल्प करो, मेरी लेट हो रही है। चादर तो लेकर ही जाऊंगी मैं। दुआ करना सब अच्छा अच्छा हो जाए। अरे दुआ की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम सब कुछ अच्छा करो, लेकिन फिर भी दुआ कर दूंगी। आज बहुत मजा आया, बहुत अच्छा हो गया सब कुछ।
तुम्हारा ड्रेस कितना अच्छा लग रहा था आज यार। थैंक यू। कॉलेज में तो तुम बिल्कुल तैयार होके नहीं आती। यार कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, कहाँ ध्यान होता है इन चीजों पे। तुम्हारा भी बहुत अच्छा लग रहा था। हेलो, मेरे हाथ से बात करवाओ यार। अच्छा मैं कर। अरुषा जी, क्यों तंग कर रही हैं आप मुझे? तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई हो? देखो 5 बजने वाले हैं। बस आ रही हूँ रुशना, घर ही आ रही हूँ, अभी अभी शो खत्म हुआ है। अच्छा सुनो, घड़ी तो ठीक है ना? हाँ बाबा, घड़ी भी ठीक है और तुम्हारा बैग बिल्कुल ठीक है। घर आके बात करते हैं। मैं पार्किंग में आपका वेट कर रहा हूँ, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। जी बैंक बंद होने का टाइम हो गया। थैंक यू। चलूं उस रास्ते जो है तेरे दिल का रास्ता, जावरा तुझे देखूं मेरा है तुझसे कोई वास्ता, तुझसे कोई वास्ता। आई थिंक हम बहुत लेट हो गए, चलें? चलना चाहिए। ठीक तो है वो, किस हॉस्पिटल में? मैं भी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ मेरा? आराम का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? पता नहीं, लेकिन उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया। जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे। जी सर, मुश्ताक फॉरन क्लिनिक लिंक पहुंचो। अरम का एक्सीडेंट हो गया, मैं थोड़ा सा दूर हूँ, फॉरन पहुंचो। सर मैं पहुंचता हूँ हॉस्पिटल। ठीक है। तुम तो आराम से चलाओ गाड़ी। ध्यान से गरम है। नेहा, फंक्शन में तुम्हारी दोस्तें तो मेरी घड़ी देख के सड़ गई होंगी, है ना? बेवकूफ, मेरी दोस्तें मेरी तरह गरीब हैं, उन्हें क्या पता कि मैंने कितनी ब्रांडेड वॉच पहनी है। तुम्हारी दोस्तें भी बहुत बड़ी बोंगी हैं। ठीक कह रही हो तुम, वाकई बहुत बोंगी हैं। रुशना कभी गलत कहती है क्या? कम अज कम अपनी दोस्तें ही बदल लो। तुम्हारी तरह गट्स नहीं है ना मेरे अंदर। अरे इसकी बातों में तो बिल्कुल भी मत आएगा मेरा हाफी, ये तो वैसे ही फंसाने में माहिर। तुम तो चुप करो आफत की बुढ़िया, हर बात में ना बोला करो। रुशना मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दो, चाची जान मुझे इस तरह बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हारे नक्शे कदम पे चली ना तो पक्का इस घर से बाहर निकलूंगी। अरे ऐसे कैसे निकल जाएंगी, मैं हूं ना, आपको कोई घर से नहीं निकाली। तुम तो ना बस अम्मी से डरती रहना, मेरे भाई का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें, वो बेचारा हर वक्त तुम्हारी आवाज सुनने को तरसता रहता है। तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे तो मोहब्बत बढ़ती है। हाय हाय, शर्माना तो देखो मेरी आपी का।
सुना तुम इतनी फारिग क्यों आज? वो अरहमा रात से गायब है, थोड़ी देर तक ट्राई करूं। अरहमा, ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी? अब तुम्हें अपनी सारी दोस्तों की लिस्ट बता दूं ना कि कौन कौन सी दोस्त है मेरी, है ना? अरहमा साहिब, क्या हुआ? अरम कैसे, एक्सीडेंट कैसा हुआ? आंटी अब वो बेहतर है, रोड पे कुछ ऑयल पड़ा हुआ था, बस इससे वो स्लिप हो गया। तो ज्यादा चोटें तो नहीं आई? हाथ में कुछ खराशें आई। डॉक्टर साहब कहाँ पे? डॉक्टर साहब अपने रूम में। मैं चले मिलते हैं। अब मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आप अरम से मिले, मैं डॉक्टर साहब से मिल गया था। अरम कहाँ है? सामने। किसकी तस्वीरें देख रही हो? आजकल अपने बहाज के लिए लड़कियां देख रही हूं। कल कुबरा कुछ लड़कियों की तस्वीरें देकर गई थी, मुझे तो अच्छी लग रही है। वैसे सोच रही हूं कि एक एक करके देख ही आऊं इन्हें। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, हैं? तुम्हें ये बैठे बैठे बहाज की शादी की फिक्र क्यों पड़ गई? अरे खाला अम्मा, बैठे बिठाए कहाँ, बेटे की पैदाइश के बाद ही माँ के दिल में उसके सर पर सेहरा सजाने की ख्वाहिश जाग उठती है। और ये जो चार चार बोझ है तुम्हारे सर के ऊपर, उनको उतारने की ख्वाहिश नहीं है क्या तुम्हें? बहाज की शादी हो जाएगी तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर ये फर्ज अदा करेंगे। अब मैं अकेली तो ये सब करने से रही खाला माँ। शाबाश है, चकदी माँ होकर तो तुम ये नहीं कर सकती। अब पराई लड़की से तुमने उम्मीद लगा दी है? अरे अकेला क्यों अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार रही हो? अरे खाला माँ, मैं अपने बहाज के लिए किसी बहुत ऊंचे घराने की लड़की लेकर आऊंगी, ताकि मेरे बेटे की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, बांट ले वो परेशानियां। हाँ, ताकि वो आते ही तुम्हारा बेटा लेके फुर हो जाए और तुम हाथ मलते ही रह जाना। तो खाला माँ क्या चाहती हैं आप, कि किसी टट पूंजिए खानदान से मैं अपनी बहू लेकर आऊं, ताकि मेरे बेटे की परेशानियां ही खत्म ना हो, सारी जिंदगी इन्हीं मसलों में पड़ा रहे वो। अरे मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की खुशी को देखो और वक्त पर छोड़ दो सब कुछ, और कोई जरूरत नहीं है जाके लड़कियों को देखने की। क्या बात है, आज मीना बहुत खामोश है। मुझे लगता है मुझे ना लव हो गया। ये वाला पकड़ो, वो भी ना शदीद वाला। अच्छा, किससे? पिज्जा से, चॉकलेट से, केक से? ये सब कुछ भेजने वाले से। कल से उसकी कोई कॉल ही नहीं आई। इसका मतलब है तुम्हें भूख लग रही है ना? लो भाई, अब इतनी भी ना दीदी नहीं हूं मैं। अच्छा छोड़ो, एक काम करते हैं, हम चल के मजेदार पकौड़े बनाते हैं। ना भाई, मुझे पकौड़े नहीं खाने, इतने ऑयली होते हैं, छोड़ दिए मैंने, पिंपल निकल आते हैं मेरे मुंह पे। अच्छा, तुम ये इतनी ब्यूटी कॉन्शियस क्यों हो गई हो? हाँ, सारा दिन चॉकलेट्स खाती रहती है, उससे पिंपल्स नहीं होते। मेरे साथ खाओगी तो दाने निकल आएंगे मुंह पे। देखो मेरा, मुझे मेरे मुंह पे कोई भी स्पॉट अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी तरह जा करो, तो देखो डाइट किया करो तुम, ये ऑयली चीज मत खाया करो।
खुदा का लाख लाख शुक्र है हम किसी बड़ी परेशानी से बच गए। इंशाल्लाह जल्द रिकवर कर जाएगा अरुण। लेकिन मैं उसके बचपन से बहुत तंग आ चुकी हूँ। तुमने उसको बहुत शय दे रखी मेहराब। पोपो प्लीज, खुदा ना खासा कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? प्लीज रिलैक्स, मैं समझाऊंगा उसको। समझाने से कोई फायदा नहीं, सख्ती करना पड़ेगी। आप परेशान मत हो, मैं बात करूंगा, मान जाएगा वो। अल्लाह इस लड़के को अकल दे, ना जाने क्यों अपनी जिंदगी का दुश्मन बना हुआ है। ये मुझे भी दिखाए। ये तुम्हारे लिए। अम्मी क्या कपड़े उठा लाई हो, मैं नहीं पहनूंगी, ना कलर है ना डिजाइन है। तौबा, क्या हुआ इन कपड़ों को? हाँ, क्या बुराई है इनमें? मार्केट में एक से बढ़के एक नए डिजाइन आ गए, लेकिन आप वही घिसे पिटे पुराने डिजाइन उठा लाती हो। बड़े नखरे आ गए तुम्हें। भाई तुम्हारा परदेश में कमा कमा कर मरा जा रहा है और तुम्हारे नाक पर ही हम बैठ रहे। अकीला, लड़कियों को अपने साथ ले जाती ना तो लड़कियां अपनी पसंद के कपड़े ले लेती। खाला माँ, आप इनकी साइड मत ले। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चियों को उनकी मर्जी की शॉपिंग करवाऊं। अम्मी बस कर दें, ये गुर्बत के रोने ना सारी जिंदगी से सुनती आ रही हूँ। ये मैं कपड़े नहीं ले रही हूँ, किसी मासी को दे दीजिएगा। क्या मतलब मासी? और तुम्हें ये कौन सिखा रहा है ये सारी बातें? खुदा के लिए मेरा को कुछ मत कहेगा, वो मुझे कुछ नहीं सिखाती है, मेरी अपनी भी कोई अकल है। इसीलिए तो पूछ रही हूँ, मुझे पता तो चले तुम्हारा दिमाग क्यों आसमानों से लगा है। मुझे तो लगता है कि रिश्नाबाजी इंडिया के ड्रामे ज्यादा देखने लगी है, इसीलिए इन्हें पाकिस्तानी कपड़े पसंद ही नहीं आते। कोई नहीं, इसका मूड अच्छा नहीं है, वरना इसे तो हर चीज चाहिए होती है। क्यों मूड खराब है? फिर से फेल तो नहीं हो गई कहीं? अरे नहीं अम्मी, आप वो छोड़ें। ऐसा करते हैं कि ये ड्रेस मैं ले जाती हूँ, ठीक है? मेरी दोस्त की सालगिरह आ रही है ना, उसमें पहन जाऊंगी। दोस्त की सालगिरह? मुझे भी ले जाएंगी ना आप? तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी उम्र का कोई नहीं है वहाँ पे। ये मुझे दो। बड़ी आई, ब्रांडेड लॉन पहनने वाली। खाला माँ, बल्कि ये आप ले लीजिएगा, आपके पहनने वाला रंग है। चलो तुम ये सिलवा लेना। थैंक यू अम्मी। तबीयत कैसी है? अब बाइक चलाने का काफी दिल कर रहा होगा ना? अच्छा ये रख दें बेशक, लेकिन ये पीना नहीं, इसके लिए फ्रेश जूस बना के दें। धो के रखा तो रहने हैं। भाई आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, लेकिन तुम्हारी हालत देख के परेशान बहुत हूँ। भाई मैं बैलेंस लूज कर गया, और आप जानते हैं मैं कितना अच्छा राइडर हूँ। तुम्हारी केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। आई एम सॉरी भाई। सॉरी, तुम जानते हो तुम्हारे एक्सीडेंट का सुन के कितना परेशान हो गए थे हम। क्यों आजमाते हो हमारी मोहब्बत को? सॉरी भाई, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम जानते हो पप्पू मुझसे कितना नाराज है, और मैं कितना शर्मिंदा हूं उनके आगे। आइंदा ऐसा नहीं होगा। पक्का? याद रखना। और आज के बाद तुम्हारा बाइक चलाना बिल्कुल बंद, आराम करो। इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा।